हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीएफ पर पेंट किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों एमडीएफ पर पेंट करने के टोटल दो तरीके होते हैं, आज हम दोनों तरीके करके आपको दिखाने वाले हैं। एक तरीका होता है कि नॉर्मल हम प्राइमर और पेंट करते हैं, और एक तरीका होता है कि प्राइमर, एक्रेलिक पुट्टी और लास्ट में फाइनल पेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक मास्किंग टेप ली और दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना इसलिए होता है क्योंकि हम लास्ट में जब रिजल्ट देखें तो आपको भी पता चला कि किस तरह से हमने पेंट किया और उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले डिवाइड करने का कारण यही था। अब एक तरफ हम एक्रेलिक पुट्टी लगाएंगे। दोस्तों एमडीएफ में एक और बात होता है कि सरफेस पहले से स्मूथ होता है, इसलिए हमें वहाँ पे एक्रेलिक पुट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये जो एजेस है ना, जहाँ से इस तरह से ये कट होता है एमडीएफ, वहाँ पे एमडीएफ कोई भी मटेरियल हो, लिक्विड मटेरियल जैसे कि हम पेंट है, प्राइमर है, वो सोखता है। तो इसके लिए वहाँ पे हमें एक्रेलिक पुट्टी लगाना पड़ता है, बाकी सब जगह पे सेमी रिजल्ट रहता है। तो सबसे पहले हम एक्रेलिक पुट्टी को अपने हाथों से या फिर कुछ इस तरह की जो पुट्टी ब्लेड है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी मदद से एजेस पर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको हाथ से ही लगा के दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये पार्ट छोटा है और इस तरह से हमें लेना है। और यहाँ पर देखो ये वाले एजेस है ना, वहाँ पे इस तरह से लगाना स्टार्ट कर देना है। ज्यादा लेयर नहीं लगानी है, बस इस तरह से हमें एक कोटिंग जैसा उसके ऊपर चढ़ा देना है, एक कवर हो जाए, जिसकी वजह से हम जो पेंट वगैरह करें वो अंदर सोखे नहीं। इतना ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो ये कर दिया, और एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी ये बॉर्डर पे बिगड़ा है वो सब हम हटा लेंगे पुट्टी के ब्लेड से। ये तीनों तरफ हम ऐसे करके आपको जल्दी जल्दी में सब दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने यहाँ पर तीनों तरफ इसे अच्छे से जो इसके एजेस है ना, वहाँ पे एक्रेलिक पुट्टी लगा ली है। अभी इसे हम 1 से 2 घंटे सूखने देंगे और उसके बाद इसके ऊपर प्राइमर लगाना स्टार्ट करेंगे। प्राइमर में आप ऑयल बेस्ड प्राइमर और जो नॉर्मल वाटर बेस्ड प्राइमर होते हैं दोनों यूज़ कर सकते हैं। हम वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये तकरीबन 2-3 घंटे सूख चुका है अच्छे से। अब उसके बाद हमें 150 नंबर का सेंटर पेपर, देखो यहाँ पर 150 नंबर है, 220 नंबर का पेपर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके इसे सैंडिंग कर लेना है। जो हमने एजेस पे लगाई थी ना एक्रेलिक पुट्टी, उसे सैंडिंग करना है। सैंडिंग आप बोलो कि आपकी लगाया अभी सैंडिंग की इसलिए करनी, तो सैंडिंग हमें जो ये स्मूथनेस है ना, इसकी स्मूथनेस आए इसके लिए ही सैंडिंग करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से करोगे तो हमने हाथ से किया था वो सब हट जाएगा और अच्छे से ये सैंडिंग हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, उसके बाद हमें कोई भी ऐसा कपड़ा लेना है और इसे साफ कर लेना है। दोस्तों सफाई करने के बाद इसके ऊपर बारी आती है कि प्राइमर लगाना, तो उसके लिए मैंने ये जो वाटर बेस्ड प्राइमर है ना वो रेडी बना के रखा है। इसे हम ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, और ये जो हमारी होती है ना HPLP स्प्रे गन कहते हैं, इसे नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं ना स्प्रे गन, इसे भी कर सकते हैं। और MDF पर आप करना चाहो पेंट तो मैं आपको सजेशन करूँगा ब्रश कम यूज़ करना, तो वहाँ पे स्प्रे ज़्यादा यूज़ करना, अगर हो सके तो स्प्रे ही यूज़ करना। क्योंकि आप स्प्रे यूज़ करोगे ना तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, और MDF पे आपको पता ही है ऐसा फर्नीचर वगैरह होता है, तो आगे आपको PU वगैरह भी करने की ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए आप स्प्रे गन ही यूज़ करना, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो गन होती है ना उसको कोई भी कपड़े से, हम जो भी मटेरियल डालें, प्राइमर डालें या फिर पेंट डालें, उसे अच्छे से छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जानी चाहिए, जाएगी तो हमारा जो फिनिशिंग है उसे बिगाड़ सकता है। तो ये हमने छान लिया है। अब अंदर आप देखो वाइट कलर है ना, हमने अभी जो प्राइमर डाला वही अभी इसकी मदद से ही करेंगे। और इसकी मदद से एक और फ़ायदा होता है कि इसे हम इसमें जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मटेरियल है वो बहुत स्पीड में काम होता है, ब्रश से इतना स्पीड में काम नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी जो ये गन से आपको करके दिखाता हूँ। हमने जो ये पुट्टी वाली एजेस थी ना उसे भी अच्छे से प्राइमर कर लेना है गन की मदद से ही। तो दोस्तों अभी हमने प्राइमर लगा लिया है गन की मदद से, आप चाहो तो ब्रश का भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने बताया। अभी इसे हमें 3 से 4 घंटे सूखने देना है।
तो दोस्तों अभी हमने इसे 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने दिया है। इसके बाद हमें इसको सैंडिंग करना होता है, यानी कि प्राइमर को सैंडिंग करना पड़ता है। अब सैंडिंग किस लिए करना पड़ता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हमने प्राइमर किया तो उसके बाद सूखने में 4 से 6 घंटे टाइम लगता है। उस बीच में कहीं पे अगर डस्ट वगैरह हो, जैसे कि यहाँ पर ये देखो आप, छोटी छोटी डस्ट इसके ऊपर बैठी है, तो ये क्लीन हो जाए। और अभी थोड़ा रफ जैसा फिनिश लगा, हल्का सा रफ लग रहा है, तो वहाँ पर हम 220 नंबर का पेपर, या फिर आप चाहो कि और स्मूथ पेपर लेना है तो वहाँ पे आप 320 नंबर का पेपर यूज़ करके प्राइमर को अच्छे से घिस सकते हो, और उसके बाद पेंट करना है। तो अभी सबसे पहले किस तरह से घिसना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी 220 नंबर का पेपर जो यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इतनी स्मूथ की ज़रूरत नहीं है 320 जितना, तो इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप डुको कलर वगैरह कुछ करें तो वहाँ पे 320 नंबर 400 नंबर का भी पेपर यूज़ करना पड़ सकता है आपको। तो इसे चलो अभी पहले जल्दी से पूरा सैंड कर लेते हैं। किस तरह से सैंड करना है, तो इसमें कोई ग्रेन्स वगैरह होता नहीं है, तो आप चाहो वैसे एक ही डायरेक्शन में सैंडिंग करके अच्छे से घिस सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो मैंने एक तरफ घिसा है और एक तरफ नहीं घिसा है, तो आपको फर्क दिखाता हूँ कि क्या फर्क होता है और किस लिए हमें ये घिसना पड़ता है। तो एक कपड़ा लेता हूँ और पहले साफ कर लेता हूँ ताकि आपको भी फर्क पता चले। अब यहाँ पे देखो, मैं नजदीक से दिखाता हूँ, ये वाली सरफेस देखो लग रही है ना, एकदम स्मूथ सरफेस। और उसके बाजू में देखो तो यहाँ पे थोड़े आपको अनइवन जैसे ऐसे धब्बे जैसे जो प्राइमर के डॉट है ना, वो सब दिख रहे होंगे यहाँ पर, और ये देखो आप। तो ये फर्क होता है प्राइमर और सैंडिंग करो या फिर ना करो, तो उसमें ये डिफरेंस होता है। तो अभी हमें इस पे भी पेंट करना है, तो इसलिए हम इसे भी सैंडिंग कर लेते। अब सैंडिंग करने के बाद हमें कपड़े से इसे अच्छे से साफ कर लेना है पूरी जगह पर। अब दोस्तों मैंने ये पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसके ऊपर मैं कौन सा कलर करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में रेड कलर लिया था, तो ये वीडियो में मैं आपको ग्रीन कलर करके इसके ऊपर दिखाने वाला हूँ। और ख़ास तौर पर इसमें आपको डिफरेंस ये दो पार्ट है ना वहाँ पर नहीं दिखने वाला है, पर जो एजेस है ना वहाँ पर दिखेगा। तो एजेस पर आप अच्छे से ध्यान रखना क्या डिफरेंस होता है, वो आपको पूरा पता चल जाएगा और ये पूरी प्रोसेस भी आपको समझ आ जाएगी। तो चलो इसे भी हम स्प्रे गन की मदद से अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने कलर गन में डाल दिया है, यहाँ पर देखो कपड़ा वगैरह हटा के। इसके ऊपर किस तरह से करना है, तो उसके लिए भी सेम तरीका है, लास्ट टाइम जैसे हमने आपको बताया था ना प्राइमर करते टाइम, वैसा ही हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ करना है। और फिर से एक बार अगर लगे हमें कि इसके ऊपर थोड़ा भी डस्ट वगैरह है, तो एक बार सैंडिंग कर लेना, क्योंकि जितना स्मूथ सैंडिंग होगा ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो इस पर हाथ भी नहीं चिपक रहा है, वैसे कपड़े से साफ करना है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी जो एजेस है ना वो करके दिखाता हूँ। और कोई भी आप MDF पेंट करो या फिर कोई फर्नीचर, तो उस पर इसी तरह से करना है। पहले एजिस को अच्छे से पेंट कर लेना होता है, और उसके बाद ही हमें आगे जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे करना होता है, उसकी वजह से डिप होने के चांस नहीं रहते। अभी ये बीच में मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ये दोनों को अच्छे से पेंट कर लिया है, बस अभी इसे हमें 8 से 10 घंटे सूखने देना है। 8 से 10 घंटे दोस्तों इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल पेल इनेमल पेंट यूज़ किया है। अगर आप कोई और पेंट करते डुको वगैरह, तो उसकी जो टाइमिंग होती है उतना सूखने देना है। और ये हमारी पूरी MDF को पेंट करने की प्रोसेस कम्प्लीट हुई है। ये प्रोसेस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भी आपको जानना है, जैसे कि पॉलिश कैसे करते हैं, वाटर प्रूफिंग वर्क कैसे करते हैं, वॉलपेपर पेंट कैसे करते हैं, तो सबके लिए मैंने जो मेरी चैनल है ना वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट और सभी तरह के वीडियो बना के रखे हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से एक बार बोलता हूँ, वीडियो पसंद है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।